नमस्कार दोस्तों, टोटके मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग अपने पति को लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या आपका पति किसी प्राय स्त्री के चक्रव्यूह में फंस चुका है, या उसने उस औरत ने आपके पति को अपने वश में कर लिया है, उसको कुछ खिला पिला कर ऐसा कर लिया है कि वह आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और वह स्त्री के पास में दिन रात वहीं पर रहता है। तो यदि आप उनमें से एक है तो यह छोटा सा टोटका उपाय करने से आपका प्रेमी हो या पति हो आपके वश में हो जाएगा। यह टोटका अगर आपने किसी के ऊपर मजाक में भी यह टोटका उपाय कर दिया तो जिंदगी भर वह आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। दोस्तों यह टोटका महाशक्तिशाली टोटका है। इस टोटके को तभी करना जब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यह टोटका उपाय कब करना है? यह उपाय आपको मंगलवार और शनिवार के दिन यह टोटका उपाय कर सकते हैं, और मात्र आपको सही 12 बजे या तो दिन में 12 बजे या रात को 12 बजे यह उपाय करना होगा। और एक आपको मोमबत्ती लगानी होगी और दो आपको पताशे लेने होंगे, जो कि पताशों के अंदर इस प्रकार से आपको दो लौंग, एक एक लौंग दोनों पताशों में इस प्रकार से रखनी होगी। और जिधर आपका पति यानी कि आपका पति जिस प्राय औरत के पास में जाता है उसका जो घर है उस दिशा के अंदर मुख कर आपको यह टोटका करना है। और दोस्तों यह वीडियो पूरी देखना, इसके लास्ट में मैं आपको उपाय के बाद में आपको बताऊंगा कि आपको सावधानी किस प्रकार से रखनी होगी यह टोटका उपाय करते। आपको दो पताशे इस प्रकार से लेने हैं, एक आपको भोजपत्र लेकर आना होगा। भोजपत्र के ऊपर इस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है। स्क्रीन पर आपको दिखाया गया यंत्र आपको इस प्रकार से बनाना है। और बनाने के बाद में यहाँ पर उस औरत का नाम लिखना है, यहाँ पे आपके पति का नाम लिखना है, फिर आपने उस औरत का नाम लिखना है। यह आप नाम लिख देंगे इस प्रकार से, यंत्र बना देंगे। बनाने के बाद में इसको चक्कू की सहायता से अपने पति का ध्यान करते हुए इस प्रकार से सात आपको लाइन लगानी है। इस प्रकार से आपको सात बार लाइन लगा दें। जैसे ही आप इस प्रकार से लाइन लगा देते हैं तो आपको इसको इसी में फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में इसको जला देना है। जैसे ही यह जल जाएगा तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक चुटकी ही काफ़ी है आपके पति को गुलाम बनाने की। तो इसको इस राख की चुटकी को क्या करना है, आपको लौंग को पीस लें और पताशे के अंदर इस प्रकार से डाल लें। यदि यह पताशा अगर आप खिला सकते हैं तो चाय में खिला दें, या आप किसी खाने के अंदर मिलाकर यह खिला दें। एक मंगलवार के दिन और एक शनिवार के दिन यह खिला दें। जैसे ही आप यह खिला देंगे उन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाएगी। जिसके पास में आपका पति जाता है, जिस औरत के पास में जाता है, उनके दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और आपका पति आपका गुलाम बन जाएगा। और यह टोटका तभी करना जब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। दोस्तों YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।